हेलो दोस्तों, आप सभी का देव नर्सरी में स्वागत है और आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बताऊंगी कि आप जब नर्सरी से मीठा नीम का पौधा अपने घर पर लेकर जाते हो तो क्या गलती करते हो कि आपका मीठा नीम का पौधा घना नहीं हो पाता, जितना लेकर जाते हो उतना ही रह जाता है। और उसमें क्या खाद डालें, क्या ध्यान दें और किस तरह उसको लगाएं, यही सब मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। और एक स्पेशल खाद के बारे में बताऊंगी जिसे अगर आप अपने मीठा नीम में डालोगे तो बहुत ही जल्दी आपका मीठा नीम का पौधा एकदम घना और हरा भरा जंगल जैसा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मीठा नीम का पौधा सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन जब ये मीठा नीम का पौधा घना ही नहीं हो पाएगा तो आप इसे कैसे खाओगे। जब भी आप मीठा नीम का पौधा नर्सरी से खरीद कर लेकर जाते हैं तो कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके कारण आपका मीठा नीम का पौधा बढ़ नहीं पाता और ना ही अच्छे से ग्रोथ कर पाता है, उन्हीं सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। प्लीज वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखेंगे और हर एक चीज को आप नोटिस करेंगे कि आप इनमें से कौन सी गलती करते हैं, और जो मैं खाद बताऊंगी उसे आप जरूर डालेंगे और देखेंगे आपका मीठा नीम बहुत ही जल्दी हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मीठा नीम का पौधा लगाते हैं और क्या खाद डालते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का मीठा नीम का पौधा कितना अच्छा तैयार हुआ है। आप लोग नर्सरी से मीठा नीम का पौधा तो खरीद कर लेकर जाते हो, लेकिन आपका ऐसा ग्रोथ नहीं हो पाता है और आपका मीठा नीम छोटा ही रह जाता है और बढ़ नहीं पाता है। तो उसकी क्या वजह है वो भी मैं बताऊंगी और इसके लिए एक सबसे बेस्ट खाद बताऊंगी जिसे अगर आप डालोगे तो आपका मीठा नीम एक महीने के अंदर ऐसे ही हरा भरा हो जाएगा और एकदम घना हो जाएगा। आप खाते खाते थक जाओगे लेकिन इसका पत्ता ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीठा नीम आप घर पर ले जाते हो तो क्या गलती करते हो कि आपका मीठा नीम का पौधा बढ़ नहीं पाता है और ऐसा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ उसका क्या कारण है। अगर दोस्तों आपके घर में पहले से ही मीठा नीम का पौधा लगा हुआ है और बढ़ नहीं रहा है और तत्काल में गमले में उसे शिफ्ट किए हो, तो जो भी गमले में लगा हुआ है पहले उसमें कोड़ाई कर लीजिएगा। अच्छे से कोड़ाई कीजिएगा ताकि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए। ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसके जड़ में अच्छे से हवा लग जाएगा और उसका ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा। तो इसी तरह आप उसका कोड़ाई अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए कर लिया है और ये देखिए धान का भूसा है, धान का भूसा इसमें डाल देंगे। धान का भूसा डालने से मिट्टी चिपकता नहीं है और मिट्टी फर्कदार रहता है और नीम का मीठा नीम का पौधा अच्छे से बढ़ पाता है। तो इस तरह आपको कर लेना है, करके इसे एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। तुरंत इसमें कुछ खाद दवाई नहीं डालेंगे, इसी तरह आपको भी करके रख देना है। तो इसी तरह कर लीजिएगा और जब भी आप मीठा नीम का पौधा आप नर्सरी से खरीद कर लाते हो तो इसी तरह छोटा रहता है, तो उसे आप पुराने ही गमले में खोद कर लगा देते हो जिसके कारण वो बढ़ नहीं पाता है और वो पहले का जो मिट्टी रहता है वो जमा रहता है जिसके कारण इसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसे कैसे लगाएंगे ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, एक एक चीज़ के बारे में मैं आज आपको अच्छे से बताऊंगी कि मीठा नीम के लिए आपको क्या खाद डालना है और कैसे लगाना है। तो ये आप सबसे पहले गमला लीजिएगा और उसमें होल चेक कर लीजिएगा कि आपके गमले में अच्छे से होल होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए मिट्टी होना चाहिए, ये एकदम काली मिट्टी होना चाहिए और भुरभुरा टाइप का होना चाहिए और उसमें आपको ये भूसा मिला देना है ऐसे ही। अभी भी धान का भूसा मिट्टी में मिलाकर ही पौधे को लगाएंगे, तब जाकर आपका पौधा अच्छे से तैयार होगा और कुछ उसमें खाद भी मायने रखता है जिसके कारण अच्छे से पौधा हमारा बढ़ता है।
इसी पौधे को आप झिल्ली फाड़ के, ये देखिए झिल्ली फाड़ लेना है, ये देखिए, और इसको आपको ऐसे लगा देना है, लगा के इसको किनारे किनारे आपको मिट्टी डाल देना है। और पौधा लगाते समय एक बात और याद रखेंगे, जब आप नया पौधा लगाएंगे तो उसका मिट्टी हमेशा नया होना चाहिए, पुराने मिट्टी में नहीं लगाएंगे, क्योंकि पुराने मिट्टी में पौधा अच्छे से तैयार नहीं हो पाता, उसे फिर से उपजाऊ बनाना पड़ता है। और लगाते समय ऐसे दबा देंगे, ये देखिए मैंने ऐसे ही कर लिया है, ऐसे आप लगाएंगे, ये लगाने का बेस्ट तरीका है। कहीं भी पुराने गमले में, पुरानी मिट्टी में मीठा नीम का पौधा नहीं लगाते हैं, और इसे 6 महीने बाद आपको चेंज भी करना पड़ता है। तो इसी तरह आप ऐसे कर, मीठा नीम के लिए आज सबसे अच्छा खाद बताने जा रही हूँ, अगर वो खाद आप 15-15 दिन में डालोगे तो आपका मीठा नीम का पौधा 1 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये आपका 1919 NPK है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, इसको आपको 1 चम्मच ले लेना है, और 1 चम्मच लेके ये 0.5 लीटर पानी लेना है और उसमें मिला देना है। और उसके बाद ये देखिए ये मस्टर्ड केक है, मस्टर्ड केक का भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, इसको आपको 0.5 चम्मच के हिसाब से लेना है और इसमें मिक्स कर देना है। जो पीसा वाला रहता है उसको आप तुरंत डाल सकते हो, जो उसका बिस्किट की तरह रहता है उसको आपको पानी में पहले से ही भिगा कर रखना पड़ता है। तो ये देखिए इसको ऐसे ही हम मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जो मीठा नीम का हम कोड़ाई किए हैं, ये मीठा नीम का हमने कोड़ाई किया है, उसमें हम चारों तरफ से ऐसे डालेंगे। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी खाद है, और इसको आप एक बार यूज़ करके देखिए, और डालने का तरीका भी होना चाहिए, कितना क्वांटिटी में डाला जाता है ये मैंने बता दिया है, और आप ऐसे ही डालोगे बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। हम लोग 10 दिन में 15 दिन में इसको ऐसे ही डालते रहते हैं, जिसके कारण ये मीठा नीम का पत्ता अच्छे से फ्रेश भी रहता है और इसमें बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, और दोस्तों इसमें फंगस बीमारी भी नहीं लगता है। तो आप इसी खाद को डालिए और डाल कर देखिए, आपका 100% मीठा नीम ऐसा ही हो जाएगा, और इसका एकदम नुकसान भी नहीं है। अगर थोड़ा सा NPK अगर आप ज़्यादा भी डाल देते हो तो आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप मीठा नीम में खाद डालोगे तो तुरंत पानी नहीं डालना है, तुरंत पानी डालने से जो भी आप खाद डाले हो वो बहकर चला जाएगा और पौधे में असर नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको हल्का हल्का पानी का स्प्रे करना है। ये देखिए हल्का हल्का पानी का आपको जड़ में स्प्रे कर देना है, ताकि ये कुछ खराबी भी नहीं होगा, और अगली सुबह जब धूप निकलेगा तो इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे, तब जाके ये खाद आपका काम करेगा। तो मीठा नीम लगाते समय इन सारी बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग के नर्सरी में कस्टमर आते हैं और बोलते हैं मीठा नीम का पौधा बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करें दीदी, कोई तरीका बताइए। तो इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है कि इस तरीके से आप मीठा नीम का पौधा लगाएंगे तो आपका मीठा नीम इसी तरह डेवलप होएगा और घना होएगा। बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, और हर एक 10 दिन में आप इसमें सोनाटा का और साफ पाउडर का स्प्रे करेंगे, जिससे इसके पत्ते भी फ्रेश रहेंगे और इसमें कुछ बीमारी भी नहीं आएगी। अगर दोस्तों अगर किसी खाद दवाई के बारे में आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी और मुझे खुशी भी मिलेगा। और दोबारा मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप किसी प्लांट के खाद दवाई के बारे में पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी।